the second consumer behavior model, that is the Engel Collett Blackwell model. Okay. In our previous video, we have discussed the black box model of consumer behavior, and in today's video, we will going to discuss the Engel Collett Blackwell model. ठीक है, अब जो ये एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल है, इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में ये मॉडल किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. दैट इज, दिस मॉडल वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू सर्व एज अ फ्रेमवर्क टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोनेंट्स एंड द सब कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. पर्टिकुलर इस वाले मॉडल्स, ठीक है, जो कंज्यूमर बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, इस मॉडल से हमको एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, और उस फ्रेमवर्क के जरिए जितने भी कंज्यूमर बिहेवियर के कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल है, इट इज़ हेल्प फॉर मार्केटर और रिसर्चर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सब कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर. इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर दैट. सो पर्टिकुलर दिस मॉडल इज इंक्लूडिंग द फोर सेक्शन. इस मॉडल का, इस मॉडल में फोर सेक्शंस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर सेक्शन, द मार्केटर और रिसर्चर्स कैन आइडेंटिफाई द कंज्यूमर बिहेवियर. फर्स्ट इज द डिसीजन प्रोसेस स्टेज. ठीक है, पहला जो सेक्शन है, डिसीजन प्रोसेस स्टेज. इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, इस स्टेज की अगर हम बात करें, तो इस स्टेज में मेनी ऑफ द थिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड टू द कस्टमर और कंज्यूमर. जब कंज्यूमर मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है. द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केटर, ठीक है, जहाँ से भी उसको कोई भी जानकारी मिली है, वो उससे क्या है, विपणन और गैर विपणन, ठीक है, मार्केटिंग एंड नॉन मार्केटिंग, सो रिलेटेड जो भी उसकी प्रोसेस है, तो वहाँ से उसने क्या कर दी, जानकारी को एकत्रित कर लिया. सपोज आई वांट टू परचेज द लैपटॉप. अगर मैं लैपटॉप परचेज करना चाहती हूँ, तो मैंने मार्केटिंग वे में, नॉन मार्केटिंग वे में, दोनों तरीके से इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है, कलेक्ट कर लिया है फॉर परचेसिंग द लैपटॉप. अब दूसरे स्टेज में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन इनपुट. वेन द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्केटिंग एंड द नॉन मार्केटिंग हेल्प, जब उसको मदद नहीं, या उसको लगता है कि नो आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम दोज रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, जब मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, तो इतनी सी जानकारी सिर्फ मेरे लिए सफिशियंट नहीं, आई वांट टू नो मोर, मैं और कुछ, मुझे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है. तो उस स्टेज में सेकेंड, सॉरी, उस समय में सेकेंड स्टेज क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन इनपुट की. नाउ ही इज कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट सोर्स. अब इन्फॉर्मेशन इनपुट का उसके पास अलग अलग क्या हो जाते हैं, जरिया हो जाते हैं, कि वो अलग अलग तरीक़ों से, मे बी के हेल्प ऑफ द गूगल, है ना, या रिलेटिव या कलीग्स, बहुत सारी अन्य जगहों से, या डायरेक्टली ही इज़ गोइंग टू द शॉप एंड कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. दैट मीन्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही इज कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर परचेसिंग द थिंग. अभी वो कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा है, नाउ ही इज ओनली परचेसिंग द, सॉरी, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. फिर थर्ड स्टेज क्या आती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. वेन ही इज कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लैपटॉप या कोई भी प्रोडक्ट जो वो खरीद रहा है या हम खरीद रहे हैं, नाउ ही इज डूइंग इट्स प्रोसेसिंग. अब उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू परचेज एंड द मनी, हाउ मच मनी आई हैव टू बी स्पेंड ऑन दैट, और ऑनलाइन खरीदूंगा तो सस्ता है या ऑफलाइन खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, टाइप वाइज. तो ही इज डूइंग द इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग. वो अब जो इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट हुई है, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है. नेक्स्ट इज द वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन प्रोसेस. और ये तो हमको पता ही है कि व्हेनेवर वी आर हैविंग द लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड वी वांट टू चूज वन ऑफ देम, हम उनमें से कोई जब एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो लास्ट स्टेज क्या होती है, लास्ट स्टेज में वेरियस थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग इट. ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे उस डिसीजन मेकिंग को क्या कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं. ऑनलाइन खरीद लिया, डैमेज पीस आ गया, तो ठीक है, फिर
मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडेक हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको वापस रिटर्न करना, फिर कब रिटर्न होगा, फिर कब मेरा पैसा आएगा। सो व्हाई आई एम नॉट परचेसिंग फ्रॉम ऑफलाइन ओनली, क्यों नहीं मैं उसको फिर ऑफलाइन ही परचेस कर रहा हूँ। लाइक दिस तो मेनी ऑफ द सोर्सेज आर इन्फ्लुएंसिंग इट। जब कोई बहुत सारे ऑप्शन में से हम जब कोई एक का सिलेक्शन कर चुके होते हैं, सो वेरियस फैक्टर्स वेरियस एलिमेंट्स आर देयर विच आर इन्फ्लुएंसिंग इट, जो उसको क्या करते हैं फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ द एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर।